कोरोना संक्रमण खतरनाक जानलेवा बीमारी को रोकने के लिए एसडीएम श्रीमती आरती यादव ने दोपहर 1 बजे उपखंड कार्यालय की मीटिंग कक्ष में ब्लॉक क्लासेस मैनेजमेंट समिति की एक विशेष बैठक बुलाई, जिसमें कोरोना वायरस जानलेवा बीमारी की रोकथाम के लिए एसडीएम आरती यादव ने तहसीलदार हेमंत शर्मा, जनपद सीईओ चेतना पाटिल, विकास खंड अधिकारी डॉक्टर श्रीवास्तव एवं कुरवाई तहसील के ग्राम और नगर के जनप्रतिनिधि, जनपद अध्यक्ष प्रेम नारायण तिवारी, पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश सोनी, पूर्व नगर परिषद जगदीश साहू बैठक में उपस्थित रहे। तो वहीं अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती आरती यादव द्वारा लगातार कोरोना संक्रमण महामारी खतरनाक जानलेवा बीमारी को रोकने के लिए कौन से दिन से लगातार तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। एसडीएम आरती यादव ने बताया कि व्यापारियों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बना है। तो वहीं एसडीएम ने बैठक में कहा कि अगर किसी व्यापारी का अनावश्यक तरीके से दुकान खुला पाया गया तो उसके ऊपर अधिकतम जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकतम जुर्माना लगाने से पहले नगर के व्यापार महासंघ अध्यक्ष एवं व्यापारियों को सूचित अनाउंसमेंट के द्वारा डोर टू डोर सूचित किया जाएगा। इसके बाद अगर कोई भी व्यापारी अनावश्यक रूप से दुकान पर व्यापार करता पाया गया तो उस पर अधिकतम 10,000 से 50,000 का जुर्माना एवं कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं आरती यादव ने कहा कि ग्रामों में पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं नगरीय क्षेत्र वार्डों के जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रशासन की मदद की जाए, जिससे इस महामारी से हमें जीतने में आसानी होगी। देखिए, माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में आज से प्रत्येक मंगलवार को एक ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक होना है, जिसमें माननीय विधायक जी के साथ अन्य जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। आज चूंकि विधायक जी हेडक्वार्टर पे नहीं है तो माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और मुख्यतः इसका मुद्दा ये है कि हम किस प्रकार से कोरोना से अपने अनुविभाग को, अपने विकास खंड को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बैठक में किस चीज पर निर्णय लिया? बैठक में आज देखिए एक पक्षी नहीं हुआ, यह एक संवाद के रूप में बैठक थी। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात भी रखी और कहां हम और सख्ती बरत सकते हैं, इसके लिए भी चर्चा हुई। एक खास बात जो निकल के आई और ये मैं सभी को और कुरवाई की जनता को भी कहना चाहूंगी कि अर्थदंड के लिए सभी इस बात से सहमति व्यक्त किए गए हैं कि अर्थदंड अधिरोपित करने में हमें ज्यादा अमाउंट लेना चाहिए। और आज से मैं ये निर्णय ले रही हूँ कि यदि कोई दुकान इन नियमों का उल्लंघन करता है तो हम उस पर अधिकतम 50,000 का जुर्माना लगाएंगे। कुरवाई से मुस्लिम खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।